तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चांद पर जाने से कुछ लाभ हुआ या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि चांद पर जाना केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था और इससे मानवता को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ है। वे तर्क देते हैं कि चांद पर जाने में अरबों डॉलर खर्च हुए और इस राशि को कहीं और बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता था। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि चांद पर जाना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इससे हमें कई लाभ भी हुए। वे तर्क देते हैं कि चांद पर जाने में हमें अंतरिक्ष के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि चांद पर जाना मानवता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इससे हमें कई महत्वपूर्ण लाभ भी हुए। वे तर्क देते हैं कि चांद पर जाने में हमें अंतरिक्ष बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और इन खोजों का उपयोग आज भी किया जा रहा है। तो आइए हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि क्या मानव को चांद पर जाने में कोई लाभ हुआ है या नहीं। चांद पर जाने के लिए हमें रॉकेट, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तकनीकी चीजों का विकास करना पड़ता है। इसमें शामिल है रॉकेट और अंतरिक्ष यान। रॉकेट और अंतरिक्ष यान को बनाने के लिए नई मजबूत और हल्का वजन वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनमें कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम मिश्रण धातु शामिल है। रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। इसमें ठोस और तरल ईंधन रॉकेट भी शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए नई जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास किया गया। ऑक्सीजन, भोजन और पानी प्रदान करने वाली टेक्नोलॉजी शामिल है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम मिश्रित धातु का उपयोग आज भी हवाई जहाज और अन्य वाहनों के निर्माण में किया गया है। ठोस और तरल इंजन रॉकेट का इस्तेमाल आज भी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है और नई जीवन समर्थन प्रणालियों का उपयोग आज भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जीवित रखने के लिए किया जाता है। चांद पर जाने में हमें चांद पर जाने में हुई नई खोजों में कई अन्य लाभ भी है। उदाहरण के लिए इन खोजों में हमें मौसम विज्ञान, पर्यावरण निगरानी और संचार में सुधार करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए नई धारण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम मौसम के बारे में पता लगा सकते हैं, इससे हमें सटीक मौसम पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलता है। इन लाभों के अलावा चांद पर जाने में हमें कई अन्य लाभ भी हुए। उदाहरण के लिए हमें अंतरिक्ष में मानवीय उपस्थिति के लिए एक मजबूत नींव रखी गई, इससे हमें भविष्य में मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर मानव जीवन भेजने में मदद मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि चांद पर जाना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इससे हमें कई महत्वपूर्ण लाभ भी हुए, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।